ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमात्मा की अद्भुत रचना ये दुनिया है। इस विशाल पृथ्वी पर निवास करने वाले हम सभी मनुष्य आत्माएं वैसे तो शक्ति स्वरूप है ही। हर एक मनुष्य आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए शरीर में रहने वाला एक अद्भुत शक्ति स्वरूप आत्मा है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कर्म कर्म फल, धर्म से विमुख कर्म, ज्ञानहीन कर्म करते हुए मनुष्य आत्मा अपने शक्तियों से अनभिज्ञ हो गया है, अपने अंदर की शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा है। तो अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करना या अपने अंदर जो आवश्यक शक्तियां हैं उसको अनुभव करना आज के जमाने की या आज की जो परिस्थिति की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हम शक्ति स्वरूप आत्माएं या मनुष्य आत्माएं अपने अंदर अनासक्त शक्ति को या पावर टू विथड्रॉ, इसको कैसे अभ्यास करें या इसका अनुभव कैसे करें, और वास्तविकता में अनासक्त या पावर टू विथड्रॉ, पावर टू डिटैच, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम परमात्मा के महावाक्यों के आधार से अगर स्पष्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर आसक्ति, अनासक्ति, निरासक्ति, 3 शब्द हमारे सामने आते हैं। आसक्ति का विरुद्ध शब्द अनासक्ति है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो आज के ज़माने में हम हर जगह ये बातें सुनते हैं कि आई एम नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट, मुझे आसक्ति नहीं है। ये जो इंटरेस्ट है इसके विरोध शब्द ये नहीं है। इसीलिए जो शक्ति के बारे में आज हम सोच रहे हैं वो है पावर टू विथड्रॉ या पावर टू डिटैच, जिसके लिए अनासक्त भाव, अनासक्त शक्ति का प्रयोग शब्द में हम करते आए हैं। तो वास्तविकता में यही आसक्ति और निरासक्ति, ये दोनों अलग है, ये अनासक्ति है। अनासक्ति का मतलब कर्म करने में हमें इच्छा नहीं है या हमारे उसके अंदर फलापेक्षा नहीं है, ये मतलब है। जो भी हम कर्म करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मन नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन जो भी मैं कर रही हूँ उससे मैं डिटैच होके कर रही हूँ, उसके प्रभाव में, अभाव में या स्वभाव में मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। किसी के साथ हमें कर्म करना है, जब अनासक्त वृत्ति होती है तभी हम अनासक्त शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म फल के बारे में तेरी आसक्ति या फलापेक्षा की अपेक्षा की भावना तेरे अंदर नहीं होना चाहिए और कर्म तुम छोड़ नहीं सकते हो। इसी को आगे चलकर कहते हैं समत्व भाव भी कहा जाता है, या ये भी कहते हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ जया जय। सुख दुख लाभ नष्ट जय अपजय में समानता रख कर जीना, इसी को ही अनासक्त वृत्ति कहा जाता है। लेकिन ये अनासक्त वृत्ति तभी हो सकती है जब हमारे अंदर अनासक्त शक्ति हो। किसी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, किसी को देख के नफरत का भाव पैदा करना या तिरस्कार का भाव पैदा करना, ये है अनासक्त वृत्ति के विपरीत सोच। जैसे कि हम देख रहे हैं आज दुनिया में हमारे समस्या क्या है, आज की दुनिया की समस्या ये है कि हमें मोह और अनासक्ति में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ मोह है वहाँ हम अनासक्त वृत्ति का अनुभव नहीं कर सकते। मोह का कारण अभिमान होता है, तो जब तक अभिमान से हम अनासक्त नहीं हो गए, हम क्या करते हैं, कर्म से ही निरासक्ति बना लेते हैं, कर्म में ही इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भगवान कहता है कर्म तुझे करना है लेकिन डिटैच होके करना है। उसके लिए तो शास्त्रों में कछुए का उदाहरण दिया जाता है ना, कछुआ
कर्म करने के बाद अपने सारे कर्म इंद्रियों को कुर्मांगे निवा ऐसे कहते हैं, इंद्रियों को अपने अंदर छिपा लेता है, जिससे व्यर्थ नियंत्रण भी हो जाता है और सुरक्षित भी हो जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने अंदर की धैर्य शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर अनासक्त शक्ति को, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू डिटैच। जैसे देखिए कोई एक्टर एक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से एक्ट कर रहा है, सामने वाले को रुला रहा है, रोने का एक्ट कर रहा है, लेकिन खुद अंदर से नहीं रो रहा है। इट इज़ एन एक्ट, ये एक मेरा एक्ट है, इसका उसे स्मृति में है। इसी तरह हम भी ये याद रखें, जो भी हम कर रहे हैं इट्स एन एक्ट, हम अपने एक पार्ट अदा कर रहे हैं, अपने एक किरदार निभा रहे हैं। ये भावना जब हमारे अंदर जागृत होगी, तब हम अनासक्त शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। जैसे कि हमें भूख लगता है तो भूख के कारण हम भोजन करते, क्षुधा को मिटाने के लिए हम भोजन स्वीकार करते हैं। लेकिन भोजन करने में भी दो तरह हैं, जिह्वा चापल्य के लिए या जीभ रस के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए खाना, लेकिन जीना है, जीने के लिए ताकत चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए भोजन करना। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क हम महसूस ज़रूर करते हैं। इसलिए अनासक्त शक्ति हमें ये सिखाती है, सब कुछ किया लेकिन उसके ना प्रभाव में आएंगे, ना अभाव से परेशान होंगे, ना हम स्वभाव के इफेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत भी हमारी चीज़ इधर से उधर हो गई, हम बहुत मूड ऑफ हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इसका कारण क्या है, हर चीज़ में हम अटैचमेंट को फील कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम अटैच होते जा रहे हैं, उतना दुख, परेशानी, अशांति का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से अगर हमें बाहर आना है, अनासक्त शक्ति को हमें अपने अंदर अनुभव करना है, तो मूल बात तो ये है कि ये हमें परमात्मा द्वारा या इस सृष्टि नाटक में मिला हुआ किरदार है, इसे बखूबी निभाना है। लेकिन इसके ना प्रभाव में आना है, ना अभाव से परेशान होना है, या किसी के साथ हमें अटैचमेंट में भी नहीं आना है। करना ज़रूर है, खुश रहना है, सबसे प्रेम भाव बना कर रखना है, लेकिन मोह का रग न आए, ये हमें अपने ऊपर अटेंशन रखने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हर एक के पास एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो वैल्यू सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं है। वैल्यू सिस्टम नहीं होने के कारण या तो इन्फीरियरिटी है या तो सुपीरियरिटी है, इनके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर शब्द है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाकेचे पंडिताः समदर्शिनी। जीवन में समदर्शिता की ज़रूरत है, ये समदर्शिता ही मनुष्यात्मा को अनासक्त शक्ति का अनुभव करा सकता है। ये समदर्शिता माना विद्या के साथ विनय होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तब होगा जब हम मनुष्यात्माएँ समझेंगे कि परमात्मा इस सृष्टि नाटक का डायरेक्टर है, निर्देशक है, और हम सब मनुष्यात्माएं अपने अपने जो भी हमारे लिए किरदार मिला है उसको हम अदा कर रहे हैं। इस भाव को जब हम स्थिर रूप से बनाए रखेंगे, आत्मभाव का अभ्यास करेंगे और परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़ के रखेंगे, मेरा मेरा मेरा, इस भाव से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे, जो कुछ है तेरा है, तेरा दिया हुआ है, संभालने के लिए मैं निमित्त हूँ एज ए ट्रस्टी, है ना। ये जब निमित्त भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे अंदर जो ताकत है हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति। किसी के मरने पर हमें वैराग्य वृत्ति आ जाती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। इसलिए अनासक्त शक्ति का मतलब विरक्ति नहीं होती है, अनासक्त शक्ति माना जिम्मेवारी से भागना नहीं है। मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया, वैराग्य अंदर से आना, लेकिन कर्म को बखूबी निभाना, ये अनासक्त शक्ति के एक बहुत अनमोल
ताकत है और वरदान है। इसलिए हर आत्मा इस सृष्टि पर अपना जो भी किरदार मिला है उसे बखूबी निभाए। उसके साथ याद रखें, जब हम आसक्ति रखते हैं या बहुत अटैच हो जाते हैं तो रिजल्ट में हमें ही दुखी होना पड़ता है। इसलिए अगर दुख से, अशांति से, भय से, मोह से मुक्त होना है तो हमें अपने अंदर अनासक्त भाव को जागृत करना है, अनासक्त शक्ति को बनाए रखना है। इसके लिए हम विधाता परमात्मा के साथ अपने बुद्धि योग को जोड़ के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समत्व योग का एक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते। इसलिए हम अपने जीवन में कईयों के साथ योग रखते हैं संबंध के रूप में, लेकिन अभी हमें अपने पिता परमात्मा के साथ जब निरंतरता से संबंध रखने की आदत हो जाएगी तब हम अनासक्त शक्ति को, अनासक्त वृत्ति को और अनासक्त भाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। वैसे भी अगर हमारे अंदर अनासक्ति नहीं है तो भी एक दिन शरीर तो छोड़ के जाना है, रोते रोते जाना है या हंसते जाना है, ये तो हमारे हाथ में है। अगर जीते ही हम अगर अपने अंदर इस अनासक्त शक्ति को जागृत करें, जितना हम बिखेर के रखे हैं वो सब समेट के हमें जाना है। कर्म करने के बाद कर्मेंद्रियों को हम अच्छी तरह से समेट ले अपने कर्मों से, शब्दों से, दृष्टि से, हम कोई भी व्यर्थ जाने ना दे, पर चिंतन ना करें, व्यर्थ दर्शन चिंतन ना करें, तब हमारे अंदर अनासक्त शक्ति एक ताकत के रूप में, एक एनर्जी के रूप में स्टॉक में आ जाता है। इसलिए जितना हो सके लीकेज बंद करें। ये लीकेज के हमारे जो इंद्रिय है, ऑर्गन्स है, आँखों से व्यर्थ को देखना, उसके बारे में व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, यूं ही किसी के साथ बैठ जाना, इन सब बातों से जब हम ऊपर उठेंगे तब जो हमने परमात्म याद से, आत्मभाव से अनासक्त शक्ति को जागृत किया है, उस अनासक्त शक्ति को हमारे अंदर हम महसूस करते हैं और उस अनासक्त शक्ति के आधार से हम दुनिया में रहते रहते समत्व भाव का, बैलेंस्ड लाइफ का भी अनुभव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट जीते जी खुशी की, जीवन मुक्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो हम आज विशेष रूप से अपने अंदर इस अनासक्त शक्ति की महसूसता जरूर करेंगे। ओम शांति।